आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फ्रेंड्स जो राशन कार्ड की पर्ची है वो फ्रेंड्स वो डाउनलोड नहीं हो पा रही हैं, उसका क्या रीज़न है। और फिर जैसे कि हमने वेबसाइट खोल कर रखी है और जैसे कि हमें एक गांव की लिस्ट है, ठीक है, और हमें एक व्यक्ति का राशन कार्ड की पर्ची है डाउनलोड करना है, यानी कि प्रिंट आउट उसको हम निकालने वाले हैं। तो फ्रेंड्स पहले तो हम इस पर क्लिक करते थे, जैसे कि ये नंबर दिया गया है, अकाउंट नंबर, राशन कार्ड नंबर दिया गया है, इस पर हम क्लिक करते थे, वो पर्ची हमारी बहुत इजीली तरीके से निकल जाती थी। लेकिन अब फ़िलहाल में ये सारी चीज़ मतलब गवर्नमेंट ने हटा दी गई है। और आपको अब किस तरह से पर्ची डाउनलोड करना है इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो की आप एंड तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी वीडियो को आप स्किप मत कीजिएगा। और किस तरह से पर्ची को आप डाउनलोड करेंगे और उसके बाद आप प्रिंट आउट उसका निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने गूगल की तरफ। गूगल में फ्रेंड्स हमें लिखना है राशन कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट NFSA, ठीक है। आप इतना लिखने के बाद इसको आप सर्च कर दें। सर्च करने के बाद जो फर्स्ट नंबर की लिंक आएगी आपको इस पर क्लिक करना है। थोड़ा लोडिंग पेज लेगा, तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कि थोड़ा सा लोडिंग पेज ले रहा है। इसको हम यहाँ पे इसको रहने देते हैं जब तक फुल तरीके से लोडिंग नहीं हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये देख लीजिए जो हमारा पेज था फुल तरीके से लोडिंग हो चुका है। जब फ्रेंड्स आप इस वेबसाइट पर आएंगे तो ऊपर की साइड पे ए यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉपअप मिल देखने को मिलेगा, आप एक्सपेक्ट पर मतलब क्लिक कर देना, ठीक है। इतना खुलने के बाद में अब हम जाएंगे, इसको हम जूम इन कर देते हैं और सिटीजन कॉर्नर पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। अब कुछ इस काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे सामने देखने को मिल गए हैं। अब फ्रेंड्स हम ये नाउ योर राशन कार्ड स्टेटस, अब हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। आपको भी इस पर ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का आपके सामने इंटरफेस दिखाई देगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे दिया गया है आपका राशन कार्ड नंबर, और फ्रेंड्स आपको राशन कार्ड नंबर कहाँ से मिलेगा, और आप राशन कार्ड, ठीक है, यहाँ सेलेक्ट कर दिया आप राशन कार्ड, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी राशन कार्ड पे है। अब यहाँ पे आपको राशन कार्ड नंबर डालना है, जो आपका राशन कार्ड यानी कि फैमिली आईडी होती है वो आपके, या तो आपको पता हो तो आप देख सकते हैं, अगर आपको नहीं भी पता है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। और ये कैप्चा कोड ये दिया गया है, ये यहाँ पर ये वाला, और इसमें आपको ये कैप्चा कोड सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में ये गेट RC डिटेल्स पर आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें राशन कार्ड नंबर कहाँ से मिलेगा। चलिए तो फ्रेंड्स हमें आ जाना है अपने प्ले स्टोर की तरफ, ठीक है। प्ले स्टोर को हम इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में अब फ्रेंड्स इसमें आपको लिखना है मेरा राशन, ठीक है। इसको ऐप को आप डाउनलोड करने, इस कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, इसको हम यहाँ से ओपन करते हैं, ठीक है। इस तरह का आपके सामने इंटरफेस दिखाई देगा, इसको आप यहाँ से स्किप करके, ठीक है, यहाँ से आप अपनी लोकेशन को आप यहाँ से ऑन कर दें, ठीक है। ऑन करने के बाद में देख लीजिए दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हमारे सामने ऐप खुलकर आ गया है। अब हमको क्या करना है, आधार शेडिंग, यानी कि हम आधार कार्ड से अपना फैमिली आईडी यानी कि राशन कार्ड नंबर निकालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे राशन कार्ड संख्या, यहाँ पे हम कर लेते हैं आधार कार्ड नंबर। अब फ्रेंड्स आपका घर में किसी का भी राशन कार्ड मतलब बना हुआ है, आप मम्मी पापा का, आप घर में आप अपना भी राशन कार्ड डाल के अपना एक मतलब अकाउंट नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है, राशन कार्ड नंबर। तो यहाँ पे हम अपना आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं। डालने के बाद में फ्रेंड्स हम इसको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा राशन कार्ड था, ये पूरा निकल कर आ गया है, कितने कितने यूनिट है, कितना क्या है, ठीक है। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ से राशन कार्ड नंबर ये आप देख सकते हैं ये है, यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे, आपको भी यहाँ से कॉपी इसको कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप अपना इसमें राशन कार्ड नंबर डालेंगे यहाँ पे, और ये कैप्चा कोड यहाँ पे दिया गया, इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद में ये फ्रेंड्स हमारा जो राशन कार्ड था ये देख सकते हैं नीचे ये आ चुका है,
ये देखें आप, यहाँ पे हमारा नाम दिखाई दे रहा है। ये फ्रेंड्स ये हमारे यूनिट हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ से आप इसको डाउनलोड कैसे करेंगे, थ्री डॉट पर जाएंगे। जाने के बाद में आप ये डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, इस यहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से हम पहले इसको डाउनलोड करेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, डाउनलोड हमारी फ़ाइल हो चुकी है। यहाँ से हम इसको ओपन भी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से बहुत ही ईजीली तरीके से आप अपने राशन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हैं तो रेड कलर के बटन दबाकर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए।